An express train takes 1 hour less a passenger train to travel 132 किलोमीटर बिटवीन द मैसूर एंड बेंगलुरु. ठीक है. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज ट्रेन ऑफ टू, एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन. ओके, बोल रहा है कि ये पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम समय लेता है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से चल रहा है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है. ठीक है, दोनों मान लेते हैं. द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन ठीक है डी 8 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड द एक्सप्रेस ट्रेन बी 8 + 10 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो ये कहानी है. तो दोनों ट्रेन का अगर टाइम देखा जाए, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन. ओके, तो ये जो टाइम लेगा, स्पीड 132 जाना है, सॉरी डिस्टेंस 132 जाना है, स्पीड x है तो 132 बाई x, इसको भी उतना ही जाना है, लेकिन इसकी स्पीड है x + 11. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेता है, यानी पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा समय लेता है. तो ये जो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है ये रहा, इससे 1 घंटा कम समय लेगा एक्सप्रेस ट्रेन = 1. ओके, तो 132 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x 1 by x 1 by x + 11 = 1. तो हमारे पास आया x x + 11. ठीक है, तो x + 11 - x = 1 by 132. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 11x = क्या है, 452. x² + 11x - 1452 = 0. ठीक है, इसको फैक्टर करते हैं, x² + 11x - 1452 = 0. तो आते हैं, इसको फैक्टर करते हैं, तो क्या 11x - 1452 = 0. तो इसको फैक्टर कर लेते हैं, x² + 44x - 33x - 152 = 0. s कॉमन लेते हैं, s + 44 - 33 = 0. s + 44 कॉमन लेंगे और हमारे पास आएगा x - 33 = 0. s + 44 = 0, देन x = -44 एंड x - 33 = 0 एंड x = 33. तो हमारा जो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड है वो आ गया 33 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो बोल सकते हैं कि सिंस द स्पीड ऑफ
ठीक है, द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर। ओके,